शिवपुरी जिले के कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा की सदस्यता को छोड़ने के बाद कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इसके बाद आज एक बार फिर विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा में सेंधमारी करते हुए जनपद उपाध्यक्ष, सरपंच और भाजपा मंडल के कई पदाधिकारियों सहित अपने अनेक समर्थकों को कांग्रेस की सदस्यता कमलनाथ के समक्ष दिलाई है। जानकारी के मुताबिक पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर अशोकनगर में संविधान बचाव सभा में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अशोकनगर में संविधान बचाव जनसभा को संबोधित किया। इसी कार्यक्रम में शामिल होने कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा करीब 23 लोगों को कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करा दी गई। अपनी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि हमें अपने शीर्ष नेतृत्व को सुनना है और आने वाले जो ढाई महीने में जो प्रदेश में चुनाव की मेला है उसमें हमें ऊर्जान्वित होकर जाना है। साथियों, आप सबको मालूम है, सभी बच्चा अपनी अपनी बात रखेंगे। 18.5 साल में जिस तरह से बेरोजगारी, जिस तरह से भ्रष्टाचार और जिस तरह से तानाशाही सरकार भारतीय जनता पार्टी की चली, और अगर हम 3.5 वर्षों की बात करें तो धनबल के आधार पर जिस तरह से प्रदेश की जनता जनार्दन के मतदाताओं का अपमान करने का काम सिंधिया जी के नेतृत्व में क्षेत्र के अनेक विधायकों के द्वारा धन बल पर कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया, मैं आपसे सच कहना चाहता हूँ। गांव गांव के दौरे के बाद हमने ये जाना है और देखा है कि जो आक्रोश प्रदेश की जनता में, जो विश्वास कांग्रेस के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता का है, जनता जनार्दन वो 3.5 साल से उस पल का इंतजार कर रही है जब ये नीलामी लगने वाले विधायकों की जमानत जब्त करना चाहती। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।